हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हफीज। आप देख रहे हो हिंदी टेक ट्यूट्स। फ्रेंड, जनरली हम लोग IDM से कोई फाइल यानी इंटरनेट डाउनलोड से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आपका इंटरनेट स्पीड 1 Mbps हो तो आपको 100 kbps से डाउनलोड होता है, या देखिए आपका 110 जाता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। पर देखिए, मैं आज आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ। इस ट्रिक के ज़रिए अगर आप कोई फाइल IDM से डाउनलोड करोगे ना, तो देखिए आपको 10-20% इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी स्पीड में। मैं ये नहीं कहता है कि आपकी स्पीड डबल हो जाएगी, आपकी स्पीड देखिए 10-20% तो कंपलसरी इम्प्रूवमेंट होगी। क्योंकि देखिए, ऑलरेडी मैं इसको टेस्ट कर चुका हूँ, तब जाकर आपको ये बता रहा हूँ। तो देखिए, आप एक काम करिए, आप ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ ना, उससे पहले आपको एक फ़ाइल को डाउनलोड करके डाउनलोड करके देखिए। बाद में देखिए, ये फाइल जो ट्रिक है ना, ट्रिक अप्लाई करने के बाद आपके स्पीड को टेस्ट करके देखिए, दो में आपको कंपलसरी फ़र्क नज़र आएगा। उसके लिए देखिए, आप ये डाउनलोड IDM ऑप्टिमाइज़र नाम का इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके इसको इस तरह ओपन करिए, ठीक है। ओपन करने के बाद देखिए, आपके पास यहाँ ऑप्टिमाइज़ IDM नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। ओके बटन प्रेस करते ही सक्सेस आ जाएगा, इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद देखिए, आप किसी एक फाइल को डाउनलोड करके देखिए। जैसे देखिए, मेरे पास यहाँ 1 Mbps की स्पीड है, यानी जो कुछ भी मैं फाइल डाउनलोड करता हूँ ना, वो सिर्फ 100 से डाउनलोड होनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 110, ठीक है। पर देखिए, मेरे पास यहाँ जो स्पीड है ना, वो 200 तक जा चुकी है। और भी देखिए, ये कम होते कहाँ तक आएगी, 120-130 के बीच में तो रहेगी, ठीक है, उससे तो कम नहीं होगी। अगर आप देखिए इसको ऑप्टिमाइज़ नहीं करके डाउनलोड करते हो ना, तो आपका देखिए स्पीड 110 ही रहेगा, ठीक है, उससे तो ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, देखिए आपके लिए भी ये ट्रिक वर्क करता है तो नीचे कमेंट में लिखिए, ताकि दूसरे लोग भी जान सके कि ये एक ट्रिक जेन्यून है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस करिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, गूगल प्लस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू।